आ मिले हो यूं ही। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? तुम जाओ यहाँ से। तुमने अवैस को बताया नहीं ये नंबर मेरा है, जिस पे वो मैसेजेस कर रहा है कि बाहर खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा है। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? घर से भाग रही हो? नहीं, अम्मी मैं नहीं भाग रही। क्या बात है ये? सच सच बताओ क्या कर रही हो? नहीं भाग रही थी। तो ये क्या है? हाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ है? घर से भाग रही है ये। सुरैया क्या कह रही है? क्या कह रही है बोलो, क्या कह रहा है ये? बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। रजिया ये आप क्या कर रही है? इसको छोड़े। चुप रहो तुम, मेरे सामने से हट जाओ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी आजाद ख्याली और बेबागी की वजह से सुरैया का दिमाग खराब हुआ है। क्या मेरा जी चाह रहा कि मार मार के इसका भड़कस निकाल दूं। इन बस करें, मारने से कुछ नहीं होगा। तुम बीच में मत बोलो, मैं आज इसे जान से मार दूंगी। भाई मैं नहीं भाग रही थी। झूठ बोल रही है ये। अगर भाग नहीं रही थी तो ये डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, ये सब गेट पर लेकर जाने की क्या जरूरत थी? तुम तो खामोश रहो। तुम खामोश रहो, ये सब तुम्हारे शेयर देने की वजह से हुआ। तुम उकसाती रहती हो ना इसे, लड़कियों के राइट्स के बारे में बताती रहती हो। दानियाल भाभी से कैसे बात कर रहे हो? बकवास बंद करो। कहाँ जा रही थी बताओ? किसके कहने पर इतना बड़ा कदम उठा रही थी? ना भाइयों की इज्जत का पास, ना बाप दादा की इज्जत का। मार दूंगी तुम्हें जान से। मैंने कुछ नहीं किया है, अभी कसर बाकी थी। मैंने ये तरबियत की थी तुम्हारी सुरैया, मुझे मुझे किमने कहा था? क्या बात, अब बैठो 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 बैठो। मंडी से कराची तक का सफर लंबा है, थक गए हो गए? जी अबू। क्या हुआ भाई, मुझे वजह से क्यों हो? तुम्हारी माँ भी परेशान हो रही थी, उसे मैंने तसल्ली दी है कि भाई सफर की थकान है, सुबह उठ के अपनी माँ को तसल्ली दे देना, कल तुम्हारा सुरैया के साथ निकाह भी है। अबू ये सब क्या हो रहा है? फोन पे कुछ कहा था और यहाँ कुछ और हो गया।
बल्कि अब तो आपने लड़की भी बदल दी। ये क्या मतलब हुआ भाई, लड़की बदल दी क्या मतलब? और बदल दी तो क्या हुआ? असल बात यह है, जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है वो तुम्हारी किस्मत बदलती है या नहीं? सुरैया से शादी करके किसी की भी किस्मत नहीं बदलेगी। वही मामू की बेटी, रिश्तेदारी, घरेलू रंजिशें, साजिशें। अरे अमेरिका के अंकल की लड़की आई थी, उससे शादी होती तो कुछ तो नया होता, और कुछ नहीं तो कम से कम अमेरिकन नेशनैलिटी मिल जाती। अरे तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे सुरैया से शादी नहीं करनी है। अजी मुश्किल में डाल दिया है आपने मुझे, आपने अम्मी ने नाना अबू ने प्रेशराइज कर दिया है मुझे। बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जहां तुम्हारा रिश्ता हो रहा है ना, वहां तुम्हारी किस्मत भी बदलेगी। तुम अमेरिका भी जाओगे, तुम्हें लाखों का जहेज भी मिलेगा और बहन का मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। मगर कैसे? बताता हूं, सुनो। मैंने तुमसे कब कहा ये? देखा, सारे फसाद की जड़ ये मैटर। सुन लिया तुमने दाऊद? तुम्हारी बीवी क्या क्या सिखाती रही है मेरी बच्ची को? मुझे पहले यकीन था ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, वरना मेरी सुरैया ऐसी नहीं है। इतनी बेहया और इतनी बेशरम मेरी बेटी नहीं हो सकती। कनीस फातिमा, क्या तुमने सुरैया को घर से भाग जाने का मशवरा दिया था? डेविड ये झूठ बोल रही है। मैं इसे ऐसा क्यों कहूंगी? और तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ, मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलती। सुरैया, सच सच बताओ, तुम क्या करने जा रही थी? क्या प्लान था तुम्हारा? वाह भाई वाह, ये आजाद ख्याल लड़की जिसे ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है, ना कोई शर्म ना लिहाज ना किसी बड़े छोटे की तमीज, ये सच्ची है और तुम्हारी अपनी छोटी बहन झूठी है। सुन रहे हैं अब्बा जी? सुन रहे हैं बशारत साहब? मैंने कहा था कि यहां रिश्ता मत करें, लेकिन मेरी तो किसी ने नहीं सुनी। मेरे दीनदार बेटे को भी अपने बस में कर लिया इस चालाक लड़की ने। रजिया, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने सुरैया से नहीं कहा कि वो घर से भाग जाए और अवैध से शादी कर ले। मेरे पाकिस्तान आने से पहले ही ये उसको पसंद करती थी, तो फिर मैं कैसे इसको मशवरा दे सकती थी भाग जाने का? इनफैक्ट मेरे फोन पे अवैध का मैसेज आया हुआ है कि वो बाहर इसका वेट कर रहा है। बाहर? मैं इसे जान से मार दूंगा। दानियाल रुको। अब्बा जी, मुझे किम ने कहा था अवैस को फोन करके मैं बुला लूं। मेरे पास तो फोन भी नहीं है, वो तो दाने ने पकड़ लिया था। इनकी वजह से ही मैंने किया। सुरैया तुम क्यों झूठ बोल रही हो? आपने ऐसा कहा था ना कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप घर से भाग जाती हो, मुझे भी यही करना चाहिए। हाँ मैंने कहा था, मगर देखा दादा जान, मैंने किम की बातों में आके कर दिया, मुझे नहीं करना। रजिया, लड़कियों को लेकर अपने कमरे में जाओ। शरत और दाऊद, तुम मेरे कमरे में आओ। दूंगा
किम ने कहा था कि तुम्हारे इस घर में कोई नहीं सुनेगा, घर से भाग जाओ। हेलो हेलो जुल्फी, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ खैरियत है इस वक्त कॉल की? यू आर राइट अबाउट सुरैया, तुम ठीक कह रहे थे कि मुझे सुरैया के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तो सच बोलना और किसी की हेल्प करना तुम्हें बहुत डेंजरस है। क्या हुआ? तुमसे बीवी नहीं संभाली थी और तुमसे बेटी। अगर मैं होता तुम दोनों की जगह तो या अल्लाह रहम रहम या अल्लाह रहम। क्या करें, मर्दों में से गैरत खत्म होती जा रही। करना क्या है बाबूजी? तुमने क्या करना है? तुमसे आज तक हुआ क्या है? जाओ जाकर शुक्राने के नफल अदा करो कि इस घर की इज्जत बच गई, बाकी तो सब मैंने संभाल लिया है। कल सुरैया का निकाह हो जाएगा और कल ही मैं सुरैया की रुख्सती की तारीख फिर दोस्त और मदरसे से ले लूंगा। जी वो मेरे ख्याल से हमें सुरैया की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, और जो वो चाहती है वो बस ये सुरैया नहीं तुम्हारी बीवी चाहती है। सुरैया तो खरबूजा है जो कनीज फातिमा के रंग बिरंग गई है, और मैंने तुम्हारी शादी कनीज फातिमा से इसलिए नहीं कराई थी कि तुम भी उसके रंग में रंग जाओ। तुम्हें तो उसे अपने रंग में रंगना था, अपने तौर तरीके से खाने थे उसे। उसकी बहुत सी गलतियां बहुत सी कोताहियां हम माफ करके दरगुजर करके चल रहे हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होगा। दादा जी मैंने तो आपका हुक्म माना है, वरना तो मुझे भी ये शादी नहीं करनी थी। माना कि तुमने हमारा हुक्म माना, लेकिन अब तुम बीवी के हुक्म पर चल रहे हो। कनीज फातिमा को यहां के तौर तरीके रस्म रवाज समझाना तुम्हारा फर्ज था, जिसमें तुमसे कोताही हुई। अलग उसका बाप नवीद यही चाह रहा था, इसीलिए उसने कनीज फातिमा की शादी यहां करवाई। अब उसे अच्छा लगे या बुरा तुम उसके शौहर हो, उसे राह रास्त पे लाना उसे समझाना तुम्हारा फर्ज है। अब ये तुम पर है कि तुम उसे किस तरह समझाते हो, नरमी से सख्ती से, ये तुम्हारे अख्तियार में। चले जाओ तुम तो, चले जाओ।
मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, इस मामले में मत पड़ो। I can't believe this. सुरैया इतनी मैनिपुलेटिव निकलेगी मैंने सोचा भी नहीं था, इतना झूठ बोलेगी। मैं तो जुल्फी सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी, मुझे क्या पता था कि वो सब कुछ मुझ पे डाल देगी। तुम परेशान हो तो मैं आ जाऊं, मैं बात करता हूँ हाजी साहब से, मैं सच बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा स्ट्रेस में थी तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको मैं खुद ही सॉल्व करूँगी। और हाँ, अगर डैड से बात हो तो उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। सच कह रही हो? मैं सुरैया नहीं हूँ जो झूठ बोलूँ और दूसरों को झूठ बोल के फंसा दूँ। Honestly, मुझे इसके बिहेवियर ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। लड़कियों पर बहुत बोझ होता है, खानदान का, घर का, रस्म रिवाज का, सब बोझ लड़की नहीं तो उठाने होते हैं यार। बस क्या करें बेचारियां, कभी टूट जाती हैं और कभी तोड़ती जाती हैं। सुरैया ने खुद को बचाते बचाते तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। अगर हो सके तो उसे माफ कर देना। I understand Sophie, but anyway, I'm sorry मैंने रात को इस वक्त कॉल की। अरे नहीं नहीं, सॉरी कह के शर्मिंदा ना करो। मैं कोई सो थोड़ी रहा था, कुछ पुरानी किताबों की नई लाट आई थी, उनकी लिस्ट बना रहा था। तुम्हारा जब दिल चाहे किसी भी वक्त मुझे फोन कर सकती है। थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़। भाग गया वो जलील शख्स, हाथ आता तो जान से मारता था। कंट्रोल करो दानियार। कंट्रोल? मेरा खून खोल रहा है, मुझे लगता था आपका भी खून खोलेगा, मुझसे ज्यादा आप तैश में होंगे। और आप है कि इस मामले को तैश से नहीं, होश से सुलझाने की जरूरत है, समझे तुम? जी समझ रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। इस फसाद में आपकी बीवी इन्वॉल्व है ना, इसलिए आप हमें होश से काम लेने का दर्श दे रहे हैं। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिमाग फट रहा है मेरा ये सोच सोच के कि अगर सुरैया भाग जाती तो क्या इज्जत रह जाती हमारी, मुआशरे में, खानदान में। और उसको उकसाया आपकी बेगम ने। तुम क्या चाहते हो, क्या करूं मैं? आपको जो करना ये तो आपको खुद ही तय करना होगा। तो ठीक है, फिर मैं इसका फैसला करूं। ये कुछ नहीं करेगा, अरे अमेरिकन बीवी के आगे इसकी गैरत और अना ढेर हो चुकी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दाऊद कि तुम इतने बदल जाओगे। ये बीवी पर सख्ती करने की बजाय उसकी हिमायत में खड़े हो गए। अम्मी हमें उस पर सख्ती करने की जरूरत नहीं है, हमें करीस फातिमा की बातों पे यकीन करना चाहिए। और सुरैया वो क्या झूठ बोल रही है? जाओ, चले जाओ यहां से दाऊद। नहीं अम्मी, दाऊद भाई कुछ नहीं करेंगे। ब्लू पासपोर्ट चाहिए ना इन्हें, ये क्यों बिगाड़ेंगे उस अमरीकी बहादुर से? बकवास बंद करो दानी, वरना ये गुस्सा जाकर अपनी बीवी को दिखाओ, दानी को नहीं। अरे जब से वो आई है उसका लिबास तक तो तुम दुरुस्त नहीं करा सके। हद है। Thank you.
सो जाओ कि नहीं इस फातिमा, रात बात हो गई है। तुम्हें नींद आ जाएगी? कोशिश करूंगा तो आ जाएगी। कुछ पूछोगे नहीं? सवाल जवाब यानी एक्सप्लेनेशन? तुम्हें लगता है मुझे तुमसे कुछ पूछना चाहिए? तुम्हारी फैमिली को लगता है कि मुझसे सिर्फ पूछना ही नहीं चाहिए बल्कि मुझ पर सख्ती भी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम यही करोगे। शादी हुई है हमारी दोनों की रजामंदी से। तुम अभी इस रिश्ते को अहमियत नहीं दे रही जो तुम्हें देनी चाहिए, मगर मैं इस रिश्ते को वही अहमियत दे रहा हूं जिसका यह रिश्ता हक रखता है। मतलब अहमियत डिजर्व करता है। एक दूसरे पर एतबार, भरोसा और यकीन। मुझे यकीन है तुम पर, तुम झूठ नहीं बोलते। मुझे एतबार है कि तुमने जो भी किया सही किया। और मुझे भरोसा है तुम पर, तुम गलत बयानी नहीं कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे पे इतना यकीन करते हो। मैंने सुरैया से कहा था कि अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मैं घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन मुझे पता है कि यहां पर लड़की ऐसा नहीं कर सकती। एंड ट्रस्ट मी, मैंने उसको प्रोवोक करने की कोशिश नहीं की थी, बस ऐसे ही कह दिया कि अगर मैं उसकी जगह पर होती तो ये करती। मुझे अच्छा नहीं लगा उसने जो कुछ किया। सुरैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं माजरत करता। मैं सुरैया से बात करने जा रहा हूं, तुम सो जाओ। दाऊद, सुरैया पे सख्ती मत करना। तुम लोगों की सख्ती की वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। ठीक है,
नहीं करूंगा। सब नफरत करते हैं मुझसे, आप भी करती हैं। मैं तुमसे नफरत नहीं कर रही सुरैया, कर ही नहीं सकती। मैं तुम्हें भतीजी नहीं बेटी समझती हूँ। मैं दुखी हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कैसे आप यकीन करेंगे मेरी बात पे? बिल्कुल बिल्कुल आखिरी घर से भागने वाली थी, लेकिन जब दरवाजे तक पहुंची तो मेरी सारी हिम्मत हौसला मोहब्बत सब जवाब दे गई। पलटने के लिए मुड़ी तो पीछे दादियाल और किम्हा भी खड़े हुए थे। उनको भी वही लगा जो सबको लगा। क्या वाकई क्यों ने तुमने ये सब करने को कहा था? उस वक्त अपनी शर्मिंदगी और बड़ों के गुस्से से बचने के लिए मुझे यही रास्ता दिखा। तुम्हें ऐसा नहीं कर रहे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब करके। कैसा और क्या करती? इस घर के मर्दों के नफरत और गुस्से से बचने के लिए कुछ तो करना था ना। ठीक है, गलती हो गई मुझसे, कि सजा तो सब गुना की देने पे तुले थे। मैंने घर से भागने का सोचा था, भागी तो नहीं थी। सोचना भी गुना था, सोचने पे तो अल्लाह ताला भी सजा नहीं देते। और वो जो मोहब्बत की है तुमने, वो तो सोच नहीं है ना? सोच नहीं है, लेकिन मेरा हक जरूर है। ऐसा हक जो मजहब ने मुझे दिया है, अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक। मेरी शादी है तो फैसला भी तो मेरा होना चाहिए। काश मैं अम्मा जी को समझा सकती, कुछ कर सकती तुम्हारे लिए। सुन, शुक्र करे इज्जत बच गई। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी सुरैया ऐसी नहीं है ना ऐसी थी। ये तो सब आपकी बहू साहिबा की वजह से हुआ है। मेरी सुरैया तो इतनी भोली भाली मासूम सी बच्ची है। जब से यक्के माई है ना, उसके रंग ढंग देखकर बच्ची पर असर तो होना ही था ना। अरे उसने तो दाऊद को भी अपने रंग में रंग लिया। कहां मेरा दीनदार और गैरतमंद बच्चा, और अब उसे अपनी बीवी का ना लिबास की परवाह है और ना ही उसकी आजाद ख्याली की। अपनी बीवी पर सख्ती करने की बजाय वो मुझे और दानी को समझाता है, मगर मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे नवीद को सब कुछ बता देना चाहिए, उसे ना बताया तो ठीक नहीं होगा।
हेलो जुल्फी। हेलो। हाँ नवीद। हाँ क्या हाल है, सब खैरियत तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम्हारी तबीयत कैसी? तबीयत बिल्कुल ठीक है। इस वक्त तो पाकिस्तान में काफी रात हो गई होगी, तुम इस वक्त जाग रहे हो, क्या बात है? हाँ दरअसल अभी कुछ ही देर पहले किन से बात हुई थी। क्या कह रही थी, सब ठीक तो है ना? हाँ 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 सब ठीक है। आप चुप क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं, बात करें मुझसे। क्या बात करूं? जो आपके दिल में है ना मुझसे कहे। मेरे दिल में जो है, सारी जिंदगी जो मेरे दिल में था वो मेरे दिल में ही। बाबूजी ने कभी मौका ही नहीं दिया कि मैं अपने दिल की बात कर सकूं। मेरे बच्चों के फैसले, मेरी अपनी जिंदगी के फैसले सब बाबूजी की मर्जी से हुए। ये तो आपने ठीक कहा, अब्बा जी ने दाऊद के मामले में सरासर गलत फैसला किया, मगर सुरैया के मामले में वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं जबानी बात कर रहा हूं, अगर सुरैया नहीं चाहती वहां शादी करना तो जबरदस्ती शादी क्यों की जाए उसकी, लेकिन नहीं, बाबूजी की जिद है। क्या हो गया आपको, आप पे भी किम का असर हो गया? मैं किम की नहीं अपने दिल की बात कर रहा हूं। मजाक बनवाना है अपना, सारा खानदान थू थू करेगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि सुरैया ने अपनी मर्जी से रिश्ता तय करवाया। चाहे हमारी बच्ची सारी जिंदगी नाखुश रहे। कोई नाखुश नहीं रहेगी, सारी शादियां साल दो साल के बाद एक जैसी हो जाती हैं। क्या बात है, जब से किम आई आप कुछ बदल से गए हैं। तानी ठीक ही कहता है, सारा अमेरिकन पासपोर्ट का चक्कर है। क्या अमेरिकन पासपोर्ट इतनी बड़ी चीज है? ये तो मैं नहीं जानता कि ये अमेरिकन पासपोर्ट क्या चीज है, लेकिन इस अमेरिकन लड़की ने मेरी सोच को बहुत मुतासिर किया है। मुनाफिक नहीं है, झूठ नहीं बोलती। रहने दें आप, झूठ नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलती। क्या मेरी सुरैया झूठी है? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है इस लड़की पर। इसके बाप ने क्या किया था हमारी खुर्शीद के साथ, देख लीजिएगा ये लड़की भी यही करेगी। अच्छा मैंने किम को मना किया था इस सारे मामले से अपने आप को दूर रखें। ताया जी ने तो मेरी खता माफ नहीं की थी, वो तो फिर भी लड़की है और लड़कियों की गलतियां तो पाकिस्तान में बिल्कुल नाकाबले माफी होती हैं। नवीद तुम दाऊद से बात करो, वो हाजी साहब को समझाएगा कि किम इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है। नहीं जुल्फी, किम ने यहां की कोई गलती नहीं की है और मेरी बेटी बहुत ही पुरअतमाद लड़की है, मुझे किसी को बताने और समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने मसले खुद हल कर सकती है। मैं काम कर रहा हूं अभी, मेरा एक दोस्त पाकिस्तान आ रहा है। मैं उसे तुम्हारा एड्रेस दे रहा हूं और तुम्हारा नंबर, वो आके तुमसे मिल लेगा और पासपोर्ट तुम्हें दे देगा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मैं कर लूंगा एक काम।
यही।